दोस्तों, जीवन अनमोल है, रक्षा करो। कब क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो इस वीडियो में सब बीमारी के बारे में बताई जाती है और सिखाई जाती है। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को हम अभी और इसी वक्त शुरू करते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 1, कौड़ी का सूजन कैसे ठीक होता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जल्दी से कीजिएगा कि ऐसी जानकारी हमेशा मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है बेनोसाइड फूड गोली जो है वो रोज एक खाने से 20 दिन में कौड़ी का सूजन जो है वो ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर पैसा आपके पास में नहीं है तो लहसुन जो है उसको 2 कली रोज पका करके रात के समय में खाने से कौड़ी का सूजन जो है वो 20 दिन में ठीक होता है। सवाल नंबर 2, जामुन खाने से कौन सा बीमारी कभी भूल कर भी नहीं होती है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है जामुन खाने से शुगर की बीमारी कभी नहीं होती है, इसीलिए जामुन जो है वो जरूर खाना चाहिए। जो लोग नहीं खाते हैं उनको शुगर की बीमारी जो है वो अंत में चढ़ करके पकड़ लेता है। सवाल नंबर 3, आंवला खाने से कौन सा बीमारी नहीं होती है शरीर में। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर है खांसी सर्दी जुकाम कभी नहीं होता है, और अस्थमा वाले आदमी को आंवला की जो अचार है या चटनी खूब खाना चाहिए, अस्थमा जड़ से खत्म होता है। सवाल नंबर 4, दिन में लकवा की बीमारी क्यों हो जाता है और लकवा क्यों मार देता है। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कर देना। दोस्तों इसका सही आंसर है दिन में लकवा लेटिंग नहीं जाने से लकवा मार देता है, इसीलिए लेटिंग जो है वो जरूर जाना चाहिए। जो व्यक्ति लेटिंग नहीं जाते हैं समय से उन्हीं लोगों को लकवा की बीमारी हो जाती है और फालिस की बीमारी हो जाती है, और बहुत सभी पैसा जो है वो बीमारी में खर्च हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग से हाथ जोड़ करके निवेदन करूँगा और करता हूँ कि कभी भी लेटिंग लगे कहीं पर भी हाँ आप लोग जरूर जाइएगा, नहीं तो लकवा फालिस की बीमारी हो सकती है। सवाल नंबर 5, खाना खाने के बाद कौन सा काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे भाई जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी मिलती रहे। दोस्तों इसका सही आंसर है खाना खाने के बाद टहलना चाहिए, उसके बाद में बिस्तर पर जाना चाहिए। नहीं तो जो आदमी खाना खा लेते हैं और टहलते नहीं हैं उनकी सबसे पहले पेट निकल जाती है और पेट की बीमारी जो है वो भारी भारी से हो जाती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के पास कि ऐसी बीमारी के बारे में जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू मेरे भाई।